हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर दिव्या। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे नेक हम्प एक्सरसाइजेस के बारे में। नेक हम्प को फ्रेंड्स अगर मेडिकल भाषा में हम कहें तो हम कहेंगे बफेलो हम्प या ड्यूगर्स हम्प। अब फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, इसके कारण क्या है और कौन सी सिंपल हम एक्सरसाइजेस करके इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं, मैं वीडियो में पूरी जानकारी दूंगी। फ्रेंड्स, आप वीडियो को अंत तक देखिए और जानिए कि वो कौन से घरेलू टिप्स, सिंपल टिप्स हैं और कौन सी घरेलू सिंपल एक्सरसाइजेज हैं जिन्हें कर कर हम अपनी इस प्रॉब्लम को घर बैठे ही ख़त्म कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें करना है YWTL एक्सरसाइज। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या होता है। फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइजेज है, कोई भी कर सकता है, कहीं पे भी हम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, हमें अपनी बॉडी के कुछ पोज बनाने हैं, वाई पोज, टी पोज, डब्ल्यू पोज, एल पोज। फ्रेंड्स, एक्सरसाइज से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी इसके कारणों के बारे में, इसके कारण क्या है। तो फ्रेंड्स, कुछ स्पेसिफिक इसके कारण की अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स, फॉरवर्ड बेंडिंग पोस्चर, जो हमारा पोस्चर होता है, पुअर पोस्चर, यानी कि हम गलत तरीके का पोस्चर अज्यूम करते हैं। जैसे कि हम बैठे स्टडी हम कर रहे हैं, पढ़ाई की हम बात करते हैं, हम झुक के इस तरह से घंटों हम पढ़ाई करते हैं, स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं। आपने देखा होगा जो लोग लॉन्ग स्टडी करते हैं, ज़्यादा स्टडी करते हैं, उनके यहाँ पीछे बैक के इस एरिया पे फ्रेंड्स फेट जमा हो जाता है, उनकी गर्दन आगे निकल जाती है, वो इस तरह से झुक जाते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह से उनका पोस्चर हो जाता है, यहाँ बहुत ज़्यादा फेट जमा हो जाता है। ये क्यों होता है फ्रेंड्स, जब हमारा पोस्चर गलत होता है, पुअर पोस्चर होता है, तो उसकी वजह से फ्रेंड्स हमारी अपर बैक की है, हमारे ये अपर बैक को बोलते हैं फ्रेंड्स, इस एरिया को, अपर बैक की जो मसल्स होती वो वीक हो जाती है। जैसे ही हमारी अपर बैक की मसल्स वीक होती है फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे फैट जमा होने लग जाता है और इस फैट की वजह से हमारा जो पोस्चर होता है काइफोटिक हो जाता है, यानी कि यहाँ फैट जमा हो जाएगा, हम इस तरह से हमारा ये पोस्चर हो जाता है फ्रेंड्स, इस तरह से हम हो जाते हैं, हमारा स्ट्रेट पोस्चर नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, दूसरे कारण की अगर हम बात करें तो ओबेसिटी, जो लोग ज़रूरत से ज़्यादा मोटे होते हैं, मोटापे की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से, अपनी बॉडी में एक हार्मोन होता है फ्रेंड्स, उसकी वजह से भी कुशिंग सिंड्रोम नाम की एक डिज़ीज़ होती है, उस डिज़ीज़ में भी यहाँ हमें फैट जमा हो जाता है फ्रेंड्स, बच्चों में भी ये देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करें फ्रेंड्स, और क्या कारण हो सकते हैं फ्रेंड्स, हमें कंप्यूटर वर्कर जो लॉन्ग टाइम तक कंप्यूटर के आगे बैठ के काम करते हैं, उनको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, ये इसके कुछ स्पेसिफिक कारण थे। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइजेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट एक्सरसाइज जैसा कि मैंने आपको बताया YWTL एक्सरसाइज। अब इसमें क्या करना है फ्रेंड्स, फर्स्ट एक्सरसाइज यानी कि वाई पोज। अब इसमें क्या करना है फ्रेंड्स, हमें अपने दोनों हाथ को स्ट्रेट इस तरह से करना है फ्रेंड्स। जब हम स्ट्रेट करेंगे तो हमें इस तरह से सामने अपने पंजों को नहीं करना, हमें इस तरह से करना है कि हमारा जो थंब होता है, देखिएगा फ्रेंड्स, हमारा जो थंब होता है ये पीछे की तरफ पॉइंट आउट करे, हमारी एल्बो एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, हमारे हाथ इस तरह से होने चाहिए, हमारी पाम इस पोजीशन में होनी चाहिए। इस पोस्चर को फ्रेंड्स हमें 20 सेकेंड होल्ड करके रखना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। जब हम इसको 20 सेकंड तक होल्ड करेंगे फ्रेंड्स, हम देखेंगे कि हमें यहाँ पे एक प्रेशर फील होता है। फ्रेंड्स, हमें हमारे दोनों शोल्डर को इस तरह से स्ट्रेट करना है, एकदम हमारी एल्बो स्ट्रेट होनी चाहिए, शोल्डर हमारे क्लोज होने चाहिए, हमारी ये जो दोनों बोन होती है स्कैपुला बोन पास में आनी चाहिए, हमारे हाथ की पोजिशन बिल्कुल इस तरह से होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि हम ऐसे करके खड़े हो गए, इस तरह से कर रहे हैं, इस तरह का होना चाहिए फ्रेंड्स हमारा पोस्चर। सामने से भी दिखाती हूँ फ्रेंड्स, ये इसको हम वाई पोज बोलते हैं फ्रेंड्स, देखिए बिल्कुल वाई शेप में है, तो हमें ये 2 to 3 times रिपीट करना है, 20 सेकंड होल्ड करके 2 to 3 times हमें रिपीट करना है। नेक्स्ट क्या करना है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पोज हम करेंगे डब्ल्यू पोज। अब इसको फ्रेंड्स दो तरीके से कर सकते हैं, हमारा जो थंब है हर एक्सरसाइज में बैक पॉइंट आउट होगा, यानी कि पीछे की तरफ पॉइंट होगा इस तरह से। फ्रेंड्स ये देखिए, एक तो ये पोस्चर है, हमें हमारे हाथ एकदम बॉडी के टच में होने चाहिए, हमारे इस तरह से हमारे थंब पीछे पॉइंट आउट होने चाहिए, हमारी फिंगर्स ओपन होनी चाहिए, हमें मुट्ठी बंद नहीं करनी है, इस तरह से हमें 20 सेकंड होल्ड करना है।
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. फ्रेंड्स इस सेम एक्सरसाइज को हम एक तरह से और कर सकते हैं, ये भी डब्ल्यू पोज है, देखो फ्रेंड्स इसको भी हम डब्ल्यू पोज ही कहेंगे। पीछे से मैं दिखाती हूँ फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे दोनों जो स्केपुला बोन है पास में आनी चाहिए, इस तरह से हमें रखना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। फ्रेंड्स मैं यहाँ थोड़ा फास्ट कर रही हूँ, मैं थोड़ा इजीली हमें करना है 20 सेकेंड होल्ड। फ्रेंड्स इस एक्सरसाइज को भी हमें 2 to 3 टाइम्स रिपीट करना है 20 सेकेंड के होल्ड के साथ करना है। नेक्स्ट क्या करना है फ्रेंड्स, टी पोज। अब टी पोज फ्रेंड्स हमें ऐसे नहीं करना, दिस इज़ रॉन्ग, थंब आगे की तरफ पॉइंट आउट हो गया, ये हमें नहीं करना है। हमें इस तरह से अपने हाथ ओपन रखने हैं ताकि जो हमारा थंब होता है पीछे की तरफ पॉइंट आउट हो, और हमें इस तरह से करना है फ्रेंड्स। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। मैं पीछे से दिखाती हूँ फ्रेंड्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। फिर हमें हाथ नीचे लेके आने हैं। ये था फ्रेंड्स टी पोज। अब हमें करना है एल पोज। अब एल पोज कैसे करना है, हमारी जो आर्म है अपर आर्म जो है हमारी बिल्कुल बॉडी के इस तरह से टच में रहेगी, और हमारी एल्बो 90 डिग्री एंगल पर बैंड रहेगी। देखिएगा फ्रेंड्स इस तरह से हमारे थंब बैकवर्ड पॉइंट आउट करेंगे, पीछे की तरफ रहेंगे। हमें ये नहीं करना है, थंब आगे नहीं होने चाहिए, इस तरह का पोस्चर होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स इस तरह का हमने पोस्चर रिज्यूम किया, वही हम 20 सेकेंड होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। फ्रेंड्स मैं पोस्चर एक बार फिर से आपको सारे बता देती हूँ, दिस इज़ वाई पोज। देखो फ्रेंड्स दिस इज़ वाई पोज, दिस इज़ डब्ल्यू पोज, दिस इज़ ऑल्सो डब्ल्यू पोज, ये भी डब्ल्यू पोज है एंड ये भी डब्ल्यू पोज है। दिस इज़ टी पोज, ये टी पोज है फ्रेंड्स, इसके बाद ये एल, दिस इज़ एल। फ्रेंड्स आई होप आपको ये एक्सरसाइजेस समझ में आई होंगी। नेक्स्ट क्या करना है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमें अपने दोनों हाथों को इस तरह पीछे टाई करना है, बांधना है। अब हमें ऊपर की तरफ जितना हम ले जा सकते हैं उतना हमें ऊपर ले जाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 सेकेंड होल्ड करेंगे, देन नीचे अगेन रिपीट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रिलैक्स। फ्रेंड्स जितना ऊपर हम ले जा सकते हैं अपने हाथ को बांध के वो हमें करना है। इसके बाद क्या करना है फ्रेंड्स, हमें अपने दोनों हाथ इस तरह से जॉइंट करने हैं, अब गर्दन के पीछे रखना है इस तरह से फ्रेंड्स। अब हमें आग इस तरह का मूवमेंट करना है फ्रेंड्स, ये अपने दोनों एल्बो को हमें जितना हो सकता है पीछे लेके जाना है इस तरह से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रिलैक्स। मैं सामने से दिखाती हूँ फ्रेंड्स, ऐसे हमने हाथ को इस तरह से किया। अब धीरे धीरे हमें ओपन करना है और पूरा पीछे लेके जाना है जितना हम ले जा सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रिलैक्स। फ्रेंड्स एक एक्सरसाइज मैं आपको और बताती हूँ फ्रेंड्स, उसमें हमें क्या करना है फ्रेंड्स, हमें बेड पे हमारा जो बेड होता है उस पर हमें इस तरह से लेटना है। देखिएगा फ्रेंड्स ध्यान से कैसे हमें लेटना है, हमारी जो गर्दन होती है वो नीचे होनी चाहिए, एज जो होती है बेड की उससे नीचे इस तरह से हैंग होनी चाहिए, हमारे हैंड जो होते हैं बेड पे होने चाहिए इस तरह से। आप हमें क्या करना है फ्रेंड्स, धीरे धीरे अपनी गर्दन को ऊपर की तरफ लेके आना है, जितना हम ला सकते हैं।
फ्रेंड्स ये एक्सरसाइज भी हमें करनी है। तो फ्रेंड्स ये कुछ वो सिंपल एक्सरसाइजेज है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कमेंट एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।